की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के 6 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। संभल से मेजर जेपी सिंह को टिकट मिला है और शाहजहांपुर से ब्रह्म स्वरूप सागर को टिकट दिया गया। इसके अलावा झांसी से शिवशरण कुशवाहा को टिकट मिला है। कांग्रेस ने 31 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। संभल से मेजर जेपी सिंह को टिकट दिया गया, शाहजहांपुर से ब्रह्म स्वरूप सागर को टिकट मिला है और इसके अलावा झांसी से शिवशरण कुशवाहा को टिकट दिया गया। फूलपुर से पंकज निरंजन को टिकट मिला है। देवरिया से नियाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया, टिकट दिया गया। महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी को टिकट मिला है। इसके अलावा राजस्थान के लिए भी 19 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने। राजस्थान में सीएम के बेटे को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने वैभव गहलोत को जोधपुर से टिकट दिया और राजस्थान के 19 सीटों के अलावा गुजरात की 6 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, जबकि राजस्थान में 19 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी की कौन कौन सी वो सीटें हैं आप देखिए। संभल से मेजर जेपी सिंह को टिकट दिया गया, शाहजहांपुर से ब्रह्मस्वरूप सागर को टिकट मिला है।